अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम आपको दिखाते हैं एक कमीज की कटिंग, कुर्ता स्टाइल जिसके दामन गोल है। तो पहले हम आपको दिखाई हैं, लेकिन अभी आज जो हम दिखाने वाले हैं आपको ये शर्ट की, लेडी शर्ट की जो है ना गोल दामन कैसे होता है और कैसे कटाई होता है, तो पूरी वीडियो आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं इस तरह हमने बनाना है गोल दामन। ये देखो कमीज का बना हुआ है, इसका तो गोल गला है ना, तो हमने वो बनाना है बैन वाला। तो आइए आपको दिखाते हैं कि इसकी कटिंग कैसे होती है। ये हम देखते हैं दोनों पैक करें, दोनों एक जैसे। ये अभी देखो हम इसको डबल बिठा रहे हैं, इनको मिस्त्री लगा लेंगे। अभी हमने इसमें मिस्त्री लगा दिए, अभी इसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे। तो दूसरा पीस है हमारा, ये दोनों एक जैसे हैं बैक फ्रंट। ये बैक फ्रंट देख लीजिए, इसको भी इस्त्री मार लेते हैं। अपने बैक पर रख दिया, अभी इधर निशान लगा लेते हैं। ये देखो ये हमने निशान लगा दिया, अभी हम इसका लंबाई नापेंगे, लंबाई कितनी बनती है इस निशान से। लेते हैं लंबाई इसकी 37.5 इंच है, तो हम 38.5 निशान लगा लेते हैं। देखो लगा देते हैं, ये देखो वादा नजर आ रही है सही। फिर इधर भी हम लाइन लगा देते हैं, निशान लगा दिया हमने। अभी हम इसका नापेंगे, गला इसका 3.5 पे निशान लगाते हैं। अभी तीरा इसका है 14, तो हम 14 इधर होता है 7, ये डबल कपड़ा है 7, तो हम 15 पे निशान लगाएंगे, 7.5 पे दबाव में आएगा। तो इसका जो है ना मोटा जो ना गुलाई में ये 9 इंच है, 9 इंच का हमने निशान लगा दिया। अभी इस तरह निशान लगा लेंगे। अभी चेस्ट का देखते हैं चेस्ट कितनी है, चेस्ट 20 इंच है, तो 10 पे निशान लगाएंगे। अभी इसको हम गुलाई दे देंगे और थोड़ी शेप दे देंगे, थोड़ी शेप हमने दे दिया। कंधा नाप लेते हैं, 9.5 आ रहा है सही है, 9 हमारा तैयार आ जाएगा, आधी इंच दबाव में चले जाएगा। हमने इधर निशान लगाया था 9 पे सही है, इधर चेस्ट इसकी 20 इंच हो गई है। अभी फिटिंग जो इसकी है तो 12.5 पे निशान लगाना है, ये हमने 12.5 पे निशान लगाया चेस्ट से लेके हिप तक। वो अभी हिप इसकी है 22 इंच, तो 11 पे निशान लगाएंगे। अभी कमर का हिसाब करते हैं, 12.5 ये हाफ बनती है, 6.5 है निशान लगा दिया। अभी कमर है इसकी 3 इंच, तो अभी कमर का निशान 9.5 पे लगाएंगे। और दामन इसका है 22.5 इंच, तो हम लगाएंगे 23 पे निशान। ये दामन गोल है तो 23 पे निशान लगा देते हैं, 22.5 है तो फोड़ लेंगे आ जाएगा। अभी हम इसको निशान लगाते हैं दामन से लेके हिप तक, हमने निशान लगा दिया। अभी हिप से लेके कमर तक निशान लगाएंगे, हिप से लेके कमर तक निशान लगा दिया, अभी कमर से लेके चेस्ट तक निशान लगाएंगे। तो ये हमारा निशान लग चुका है। अभी हम इसको फालतू दबाव के लिए कपड़े को रखेंगे। अभी हमने इसको गुलाई करना है, ये देख सकते हैं, ये आप ऐसे भी कर सकते हैं गुलाई के लिए। ये देखो आपने 2.5 पे निशान लगा दिया इधर, और इधर भी 2.5 पे निशान लगा दिया। अभी इसको निशान 2.5 से इस तरह आप गुलाई कर सकते हैं, ये देखो ज़्यादा शेप, ये थोड़ी शेप देनी, ज़्यादा नहीं देनी। इसको हम फालतू काट देंगे। अभी हम इसको कैंची से कटिंग करेंगे, ये देखो हमने कटिंग कर दिया इधर। अभी फ्रंट वाला पीस को उठाना है, ये फ्रंट का हमने पीस उठा लिया, अभी इसको हम कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग कर दी हमने,
अभी बैक की कटिंग करेंगे, बैक थोड़ा ज़्यादा होता है ये देखो शेप में, ये चेस्ट तक मिल गया, काट दिया हमने फालतू कपड़ों को, हम काट रहे हैं। इधर से हम दामन को गोल करेंगे, देखो हमने दामन को गोल कर दिया, अभी ऊपर से इधर से थोड़ी शेप दे देंगे, ये गले का निशान लगा देंगे साढ़े तीन के, दरम्यान का टुका लगा दिया हमने, और इधर भी टुका लगा देंगे कमर से, ऊपर टुका लगा देते हैं और चेस्ट का भी टुका लगा देते हैं, और बैक फ्रंट को थोड़ी छांटी कर लेंगे। अभी हैं जी हाँ गला कुछ नहीं हो गया, ठीक हो गया। अभी हमारा ये बैक फ्रंट कट चुका है, अभी आस्तीन काटते हैं, ये बाजू हैं दोनों, बाजू कपड़ा आपस में मिलाएंगे, बाजू कपड़ा हमने आपस में बराबर करना है, बॉर्डर मार्डर देख रहे हैं ताकि बराबर आए, लाइन बराबर आए, तो देख सकते हैं बराबर करके इसकी मार लेंगे, इसी मार लिया। अभी इसको हम कपड़े को डबल करेंगे, फोल्ड करेंगे, तीन है तो भाई इधर हम निशान लगा लेते हैं, इधर साढ़े इक्कीस निशान लगा लेंगे, आधी दबाव में आ गया, जागी हम दबाव में निशान लगा दिया, इसको हम लाइन लगाएंगे, अभी हमने लाइन लगा दिया, अब चंदन आते हैं 9 इंच, साढ़े 9 इंच के निशान लगाते हैं, आधी इंच फालतू रखते हैं, ये देखो तो हमने ये सब टेप दे देनी है, तो देखो ये बाजू हमारे साथ 21 है, 21 बाजू हमें तैयार लाना है, आगे जो है आस्तीन के आगे से बाजू गुलाई कलाई से कितनी है 6.5 इंच है, तो 6.5 इंच पे निशान लगा दिया हमने। अभी आस्तीन का सेंटर लेना है हमने, 21 तक आस्तीन है तो 10.5 तक ये सेंटर आएगा, सेंटर ले लिया, इधर भी 6.5 पे निशान लगाना है हमने, अभी हमने इसको शेप में काटना है, ये देखो क्लियर हम रख लिया, ये देख लेते हैं, ये हमारा शेप में निशान लग गया, इस तरफ निशान लगाएंगे, इस तरफ निशान लग गया, अभी हम इसको कई चीज काटेंगे, ट्राई करते हैं, ये काट कटिंग कर दिया हमने, अभी इसको फालतू कपड़े को काट देंगे, आगे से फालतू कपड़े काट देंगे, दबाव के लिए छोड़ देंगे, लैस लगानी है, पाइपिंग करनी है जो भी फिर, और ये सेंटर हमारा है इसको भी हम टुका लगा देते हैं, और आस्तीन को पीछे शेप दे देते हैं, ये देख सकते हैं इसको थोड़ा सा इधर से मैं बता दूँ अभी आपको ताकि आप समझ आ सके, ये 2 इंच बाजू पर छोड़ना है, नीचे शेप देनी है इधर से, ये देख सकते हैं ये हमने इसकी शेप दे दिया, देख सकते हैं फिर तुम आओगे, ये हमारा सीन भी कट चुके हैं, ये हमारा सीन भी कट चुके हैं, और बैक फ्रंट भी हमारी ये कमीज जो बोल दामन वाली कट चुकी है, ये देख सकते हैं सारी बोल दामन वाली हमारी कमीज कट चुकी है, ये भी आपको हमने पूरी कटिंग बता दी है कि कमीज की कटिंग कैसे गुलाई दामन की जाती है, तो हमने पूरी आपको कटिंग बता दी है, दामन कैसे गोल होता है ये आपको समझ आ गया होगा, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो के लिए, अल्लाह हाफिज़।